अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बाज लोगों की बॉडी लैंग्वेज आपकी तवज्जो को अपनी तरफ खींच लेती है। इन लोगों के उठने बैठने, चलने फिरने और मूव करने के स्टाइल से ऐसा लगता है जैसे कि ये लोग इस जगह के मालिक हैं। तो ये वीडियो इसी बारे में है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को किस तरह ऐसा बनाएं कि लोग आपकी प्रेजेंस को महसूस करें और आप पर लोग तवज्जो दें। 100% प्रैक्टिकल टिप्स बताने वाला हूं जिसका यूज़ करके चाहे आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं या किसी भी पार्टी में शरीक हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और पुरएतमाद दिखाई दे। मज़ा आया। देखिए वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको बॉडी लैंग्वेज के कुछ फ़ायदे बताऊंगा और उसके बाद उन बॉडी पोस्चर्स के बारे में भी बताऊंगा जो आपको कॉन्फिडेंट एंड कंट्रोल में जाहिर करते हैं और उन हरकतों के बारे में भी आपको बताऊंगा जिसमें आप कंफ्यूज और अनकॉन्फिडेंट दिखते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस किस्म की वैल्यूएबल वीडियोस आपको मिलती रहें। नंबर 1, अच्छी और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज क्यों ज़रूरी और अहम है, इसकी बुनियादी वजह यह है कि लोग सुनने से पहले आपको देखते हैं और उसी हिसाब से आपको अहमियत देते हैं। चाहे आप किसी प्रेजेंटेशन के लिए खड़े हों या जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं या किसी भी रैंडम जगह से गुजरें, सामने बैठे हुए अफराद सबसे पहले इस बात पर गौर करते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है। ऐसे कि आप देखने में कंफ्यूज लग रहे हैं, आप नीचे देख रहे हैं या आपने अपने बाजू बांधे हुए हैं या ये कि आप लोगों की तरफ देखने से घबरा रहे हैं। लिहाजा जैसे आपका बॉडी पोस्चर होगा लोगों पर पहला इंप्रेशन उसी तरह का पड़ेगा। नंबर 2, कॉन्फिडेंट बॉडी पोस्चर बाद में वजन पैदा करता है। अच्छे बॉडी पोस्चर ना सिर्फ हमारे अंदर कॉन्फिडेंस को जाहिर करते हैं बल्कि इससे हमारी बात में भी वजन पैदा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करें कि आप ऐसे लोगों के सामने खड़े हैं जिसको आपने किसी बात के लिए कन्विंस करना है, लिहाजा जब आप कॉन्फिडेंट तरीके से उनके सामने जाएंगे तो वो इब्तदा में ही आपकी बॉडी पोस्चर को देखते हुए आपकी पर्सनैलिटी को जज करेंगे कि आया कि ये बंदा इस काबिल भी है कि इसकी बात को सुना जाए कि नहीं। अगर आप स्ट्रांग और कन्विंसिंग नजर आएंगे तो यकीनन आपकी बात तवज्जो से सुनी जाएगी। नंबर 3, दोस्तों लोग आप पर एतबार करते हैं। जब आप कॉन्फिडेंट बॉडी पोस्चर के साथ बात करते हैं तो लोग भी आपके अल्फाज पर एतबार करने लगते हैं। वो ये सोचते हैं कि जो शख्स इस कदर एतमाद के साथ खड़े होकर कन्वर्सेशन कर रहा है तो यकीनन इसके पास कोई अथेंटिक इन्फॉर्मेशन या फिर हमारे फायदे की कोई बात जरूर होगी और लोग पहले से ही सब कॉन्शियसली आपकी बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आइए दोस्तों अब उन 9 बॉडी पोस्चर की बात करते हैं जो या तो आपको कॉन्फिडेंट दिखाते हैं या फिर कन्फ्यूज और अनकॉन्फिडेंट। नंबर 1, आई कॉन्टेक्ट। चाहे लोग कम हो या ज्यादा, एक अच्छा आई कॉन्टेक्ट आपको बेइंतहा पुरएतमाद जाहिर करता है। फर्ज करें कि आप यूनिवर्सिटी या ऑफिस की प्रेजेंटेशन में मौजूद हैं और आप वहां पर मौजूद लोगों से बात करते हुए फे वक्फे से डिफरेंट लोगों की आंखों में देखते हैं और आप उनकी प्रेजेंस को महसूस करते हुए उनसे बात करते हैं तो यकीनन वो लोग आपकी बात को दिलचस्पी से सुनेंगे। इसके बरक्स अगर आप अपने सामने फैले हुए कागजों पर ही आंखें जमाए रखेंगे और पहली की बच्चों की तरह कागजों को देखते हुए बात करते जाएंगे तो यकीनन लोग आपसे चंद मिनट बाद ही बोर हो जाएंगे। इसकी एक बेहतरीन मिसाल साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अमेरिका में सदर बराक ओबामा से मुलाकात है, जिसमें नवाज शरीफ अमरीकी सदर और अपने सामने सहाफियों को देखने के बजाय अपने नोट्स पढ़ते रहे और कन्फ्यूज भी नजर आए और सारी दुनिया से आए हुए सहाफियों के सामने अपने आप को लकीर का फकीर और कमजोर होने का इम्प्रेशन मजा नहीं आ रहा है देते रहे। अपने आई कांटेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए बोलते हुए अपने स्टाइल पर कॉन्शियस रहें और तवज्जा करें कि आया आपकी नजरें ऑडियंस की तरफ हैं या सिर्फ अपने नोट्स पर ही जमी हुई हैं, या फिर अगर आप सिर्फ एक बंदे से भी बात करते हैं तो क्या आप उसकी आंखों में देख पा रहे हैं कि नहीं। एक अच्छा आई कांटेक्ट बनाने में आप कोशिश करें कि ना तो आप अगले बंदे को बहुत ज्यादा घूरें जिसकी वजह से अगला बंदा अनकंफर्टेबल हो जाए और ना ही आप इतने ज्यादा अपनी आंखों को झपकाने की कोशिश करें जैसे ये लगे कि आप कोई बात छुपा रहे हैं। नंबर 2, क्रॉस्ड आर्म्स। बाजुओं को क्रॉस करना या चलना या आपके बाजुओं के मूवमेंट लोगों को आपके कॉन्फिडेंस एंड कन्फ्यूज होने के बारे में बताते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपने अपने बाजुओं को नेचुरली खुला छोड़ा हुआ है तो इससे आप देखने में कॉन्फिडेंट दिखते हैं, लेकिन अगर आप बाजुओं को बांध कर यानी क्रॉस करके चलेंगे तो यकीनन कंफ्यूज और एहसास कमतरी का शिकार नजर आएंगे। इसकी वजह यह है कि बाजुओं को क्रॉस करने को डिफेंसिव एक्ट समझा जाता है और अक्सर हम ऐसा क्यों करते हैं जब हम अपने बॉडी पोस्चर के बारे में पुरएतमाद महसूस नहीं करते या समझते हैं कि इस वक्त हमारा सरापा अच्छा नहीं लग रहा तो इस वक्त हम अपने हाथों को बांध कर कोशिश करते हैं कि हमारा सरापा कवर हो जाए और ज्यादा एक्सपोज ना हो और देखने वाला कुछ महसूस ना करे, लेकिन हकीकत यह है कि इस पोस्चर में आप देखने वालों के लिए अनकॉन्फिडेंट दिखते हैं। इसलिए चलते हुए खुलकर चलें और बाजुओं को क्रॉस ना करें ताकि यह लगे कि आप अपने स्किन में कंफर्टेबल हैं और आपको कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, सोफे या कुर्सी पर बैठना। आपके बैठने का स्टाइल भी आपको कंफ्यूज और कॉन्फिडेंट जाहिर करता
है अगर आप सोफे पर सुकर कर बैठे हैं, अपनी टांगों को मिला करके रखा हुआ है और आपके हाथ गोद में हैं, तो यकीनी तौर पर आप कन्फ्यूज दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप खुल कर बैठे हैं और अपनी जगहों के घेरे हुए हैं और आपके हाथ साइड पर रिलैक्स हालत में हैं और आपने एक टांग पर दूसरी टांग रखी हुई है, तो ज़्यादा पावरफुल और रिलैक्स और कॉन्फिडेंस दिखाई देंगे और फौरी तौर पर आप लोगों की नज़रों में आ जाएंगे। अब ये टांग पर टांग रखने वाला मामला भी आपने हर जगह नहीं करना। अगर आप किसी मेंटोर के सामने बैठे हैं, अपने किसी उस्ताद के सामने बैठे हैं या कहीं पर आप जॉब इंटरव्यू के लिए गए हुए हैं, तो वहाँ पर कोशिश करें कि आपने टांग पर टांग ना रखी हुई हो, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएंगे। नंबर 4, हाउ टू यूज़ हैंड्स ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। अगर आपको कहीं बोलना पड़े और आप बोलते हुए सीधे खड़े हैं और हाथों का इस्तेमाल ना करें, या फिर बार बार अपनी मुट्ठियाँ बंद करें या अपनी हाथों को जेबों में डालें या बार बार अपने कपड़ों पर फेरते रहें, तो यकीनन दोस्तों आप कॉन्फिडेंट लगेंगे। इस तरह अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने हाथों को मेज के ऊपर रख लें, तो ये ज़्यादा बेहतर लगेगा, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा डर लगेंगे। जब आप बोलते हुए अपने हाथों को हिलाते हैं और अपनी बातों के मुताबिक जेस्चर्स देते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा पुरअतमाद और आरामदेह महसूस करते हैं। यही वजह है कि ऐसे लोग जो प्रेजेंटेशन या लेक्चर के दौरान हाथ हिलाते हैं, तो वो अगर बोलते हुए कोई पॉइंट भूल भी जाते हैं तो उनके मूव करते हुए हाथ उन्हें ज़्यादा ऑकवर्ड लगने नहीं देते। इसलिए लोगों के सामने जब जाएं, आप ये भूल जाएं कि आपने क्या पहना हुआ है और आप कैसे लग रहे हैं। आपकी तवज्जो सिर्फ इस बात पर होनी चाहिए कि मुझे पुरअतमाद दिखाई देना है। और कॉन्फिडेंट दोस्तों जूतों, बालों या कपड़ों का नहीं, बल्कि आपकी एबिलिटीज का मोहताज है। लिहाजा आपके हाथ गैर जरूरी कामों के बजाय लोगों को अपनी बात समझाने में इस्तेमाल होने चाहिए। नंबर 5, करेक्ट वे ऑफ वॉकिंग। दोस्तों, चलते हुए अपने कंधों को आगे ना गिराएं, अपने कंधों को सीधे और पीछे रखें और सीधे देखते हुए चलें, और चलते हुए अपनी नज़रों को ज़मीन की तरफ गाड़ करके ना रखें कि ये आपको पुरअतमाद जाहिर नहीं करते। चलते हुए अपने हाथ ना बांधें और ना ही अपने हाथों को जेब के अंदर डालें। इसके अलावा चलते हुए बतख की तरह अपने पाँव को टेढ़ा करके ना रखें। अगर आपको इस तरह चलने की आदत है तो इसको प्रैक्टिस के साथ करेक्ट किया जा सकता है। चलते हुए आप बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ना चलें कि आप मकसद लगें, और ना ही जरूरत से ज्यादा तेजी के साथ चलें। और इसी तरह अगर आप ग्रुप में चल रहे हैं तो सर झुकाए लोगों के पीछे ना चलें, बल्कि उनके साथ चलें। नंबर 6, फिजिटिंग। दोस्तों, फिजिटिंग एक ऐसा बॉडी पोस्चर है जिसमें इंसान एक जगह ना टिक के खड़ा हो सकता है और ना बैठता है। कभी वो अपनी टांगे हिलाने लगता है, कभी उंगलियां मरोड़ने लगता है, कभी बिला वजह चेहरे पर हाथ फेरने लगता है या होंठ काटने लगता है, और उसके हर बॉडी पोस्चर से जाहिर होता है कि वो टेंशन का शिकार है। उसको लोगों के साथ इंटरेक्ट होने में मुश्किल हो रही है, तो ऐसी हरकतें करना भी आपको अनकॉन्फिडेंट जाहिर करता है। असल में कॉन्फिडेंट बॉडी पोस्चर में अपने दिमाग को हाजिर रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको किसी बुरे पोस्चर की आदत पड़ी हुई है, जैसे कि बार बार दाढ़ी पर हाथ फेरते रहना या सर कुचाना वगैरह, तो आप अपनी हाजिर दिमागी से उसको ख़त्म कर सकते हैं। जैसे जब भी आप किसी से मिलें या किसी से बात करें, तो 2 या 3 बार अपने दिल में दोहरा लें कि मैं कॉन्फिडेंट हूं और लोगों से बात करने में मुझे फोकस रहना है, कि सर खुजाने जैसे काम मैंने नहीं करने। नंबर 7, नेल बाइटिंग। आप में से कुछ लोग बात करने से पहले या फिर डिस्कशन के दौरान वो नाखून चबाने लगते हैं। ये पोस्टर भी आपको बचकाना जाहिर करता है और आपकी बातों को ज़्यादा वैलिड लगने नहीं देता। इसलिए अपने नाखून ना चबाया करें, और अगर आप इस आदत में मुब्तला हैं तो छुटकारे के लिए एक टिप ये है कि आपने नाखूनों को अच्छी तरह काट लिया करें, ताकि ये आपके दांतों में ना आ सकें। नंबर 8, गुड हैंड शेक। आप किसी दावत में इनवाइटेड हैं या फिर वैसे ही कहीं चले जाएं, तो लोगों से हाथ मिलाना पड़ता है। अगर आप ढीले अंदाज से हाथ मिलाएं तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव और बारोब नहीं दिखते, लेकिन अगर आप अच्छी तरह और जानदार अंदाज में हाथ मिलाएं तो यकीनन अगला बंदा आपकी मौजूदगी को समझेगा। इसलिए लोगों से अच्छी तरीके से और एक्टिव अंदाज से हाथ मिलाया करें, और हाथ मिलाते हुए हल्का सा ब्रीफ सा आई कॉन्टैक्ट भी जरूर रखें। नंबर 9, स्माइलिंग। मुस्कुराना आपकी बॉडी का एक ऐसा हिस्सा है जिसके जरिए आप लोगों के साथ एक अंधे के कनेक्शन में जुड़ जाते हैं, और लोग अपनी गुफ्तगु छोड़कर आप पर तवज्जो देते हैं और आपको फ्रेंडली समझते हैं, जबकि हार्ड और रिजिड चेहरे वाले की तरफ कोई तवज्जो भी नहीं करता। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। थैंक यू सो मच।